तो पूरा ऑल इंडिया में हम अपना पराठा जैक्सेट खोल सकते हैं, ये मुझे उम्मीद है राउरकेला के लोगों से। हमारे जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो अपना सपना पूरा करना चाहती हैं, लेकिन सोसाइटी के डर से क्या होता ना, मतलब घर में बंद कर रह जाती हैं। अगर आप एक बार टेस्ट करोगे तो बार बार यहाँ आने का मन करेगा। जबकि जो मुझे उम्मीद थी, जो सपने थे कि मैं उस लेवल तक पहुँच सकूँ, लेकिन अभी तक वो उम्मीद अभी तक हुई नहीं है। दोस्ती की मिसाल देती हुई सैकड़ों बॉलीवुड की फिल्में आपने देखी होंगी, पर हकीकत की दुनिया में आज हम आपको दो सहेलियों की ऐसी कहानी दिखाने वाले हैं, जिसे देख आज बहुत सारे उन लोगों के मन में उम्मीद की किरण जगेगी जो समाज के डर से न जाने कितने सालों से घरों में कैद हैं। और आप लोगों से मुझे बस इतना ही निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्या पता आपकी एक शेयर इन दो सहेलियों के सपने पूरे करने में उनकी मदद कर दे। मेरा नाम रेखा कर्मकर है और मैं राउरकेला से बिलोंग करती हूँ। मेरा ससुराल जो है बड़बिल है और मैं वहाँ से 4 साल पहले मैं यहाँ आई बच्चों की स्टडी के लिए। ठीक है, तो बच्चे जब कॉलेज चले जाते थे तो मैं अकेली रहती थी, तो मुझे कुछ करना था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे डिपेंड नहीं होना है किसी पर, मुझे अपने आप कुछ करके मतलब एक मुकाम हासिल करना है। तो फिर मैं क्या करी, मैं घर से मतलब ये पराठा जंक्शन जो है मैं घर से स्टार्ट करी। ठीक है, घर से जब करी तो इतना ऑर्डर आता था कि मैं मतलब कंप्लीट नहीं कर पाती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी को साथ लेना चाहिए। तो उसके बाद मैं खोज रही थी तो कि मेरे जैसा कोई हो। ये इनके जो हस्बैंड है वो हम लोग बचपन के दोस्त थे, तो वो मुझे इनवाइट किए डिनर पर। तो मैं गई तो इनके हाथ का मुझे खाना अच्छा लगा, तो जैसे ऐसा लगा कि ये मेरे जैसी है, जैसे मैं बनाती हूँ स्वादिष्ट खाना वैसे ये भी बनाती है। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं इनको साथ लूँ। तो फिर ये इनको भी मतलब ज़रूरत था, मतलब ये भी पहले से सोच रही थी कि मुझे भी कुछ करना है। तो जब मैं मतलब ऑफ़र करी कि चलो हम लोग दोनों पार्टनरशिप में हम लोग करते हैं इसको, तो ये रेडी हो गई। गर्मी तो लगता है लेकिन बहुत ही खुशी मिलता है लोगों के लिए बना करके खिलाना। जब खुश होकर के जाते हैं ना, जब खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा खाना जो है उनको पसंद आ रहा है। तो उस टाइम मेरे को गर्मी का एहसास नहीं होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी जो महसूस होती है ना कि हम बोल ले सकते हैं उस टाइम। जब मेरे बच्चे जब मतलब मेरा बना हुआ खाना खाते थे तो बोलते थे कि मम्मी आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, आप इस खाना को मार्केट में लाओ, आप मतलब सब बहुत खुश होंगे आपका खाना खा करके। तो फिर मुझे भी लगा कि नहीं करना चाहिए। आप बच्चे बोलते थे कि आप कुछ करना चाहती हो तो आप इसी को क्यों नहीं आप आगे बढ़ाती हैं। तो मैं यही सोच करके मैं फिर बस इस बिज़नेस को मैं स्टार्ट कर दी हूँ और बहुत खुश हूँ करके इस बिज़नेस को। मुझे मेरी अंजू का भी सपोर्ट मिला है। से बहुत सारी औरतें हैं जो अपना सपना पूरा करना चाहती हैं, लेकिन सोसाइटी के डर से क्या होता ना, मतलब घर में बंद कर रह जाती हैं। लेकिन मैं को बांध के रख देती हैं सोसाइटी के डर से कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किए, हम लोग में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आई, लोग बहुत तरह की बातें करते थे, लेकिन हम लोगों ने उनको नज़रअंदाज करके और अपना बिज़नेस को आगे बढ़ाया। इस पर ओनली इस पर ध्यान दिया कि हम लोग को अपने सपना पूरा करना है। सोसाइटी के लोग ने बहुत कुछ हम लोग को बोले और खुद भी आज के लेडीज लोग बहुत से मैंने उम्मीद किए हुए कि हम आगे बढ़े कुछ करें, लेकिन वो अभी भी मन को अपना दबा के घर के अंदर बैठे हुए हैं। हम लोग को भी मन में ऐसे बहुत से विचार है, बहुत लोगों ने हम लोग को भी बहुत कमेंट अभी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ने आगे हिम्मत किए और हम लोग दोनों फ्रेंड ने इस पराठा जंक्शन को हमने खुद स्टार्ट किए और अभी तक कर रहे हैं। आगे तो खैर पूरा राउरकेला के ऊपर निर्भर करता है, मतलब वो लोग के ऊपर उम्मीद है कि हम लोग का किस लेवल तक किस ऊंचाई तक पहुंचा सके। आप लोग एक बार यहाँ आओ और हमारा जो है पराठा को चखो
मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा और आप लोग बार बार आओगे। पराठा हुआ, एक कढ़ी है, चिकन मसाला है, तड़का है, आलू पराठा है, सत्तू पराठा है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप एक बार टेस्ट करोगे तो बार बार यहाँ आने का मन करेगा। जो भी आ रहे खा रहे वो बोल के जा रहे बहुत ही अच्छा है और ऐसा उम्मीद है। और घर के जैसा ही बनाते हैं हम लोग, घर में जैसे हम लोग मतलब हाइजीनिक तरीके से जैसे घर में बना मम्मी लोग जैसे बनाती है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग मतलब खाना बनाते हैं। लोग खा रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है तो आ रहे हैं, लेकिन जितना उम्मीद है उसके हिसाब से नहीं आ रहे हैं। मुझे तो बहुत आगे बढ़ाना है बिजनेस को। अगर राउरकेला के लोगों का साथ रहा तो फिर तो मैं क्या बोलूँ। फिर जबकि जो मुझे उम्मीद थी, जो सपने थे कि मैं उस लेवल तक पहुंच सकूं, लेकिन अभी तक वो उम्मीद अभी तक हुई नहीं है। मतलब अगर राउरकेला के लोगों ने मुझे वो सपोर्ट किए और उस लेवल तक पहुंचाया तो पूरा ऑल इंडिया में हम अपना पराठा जैक्सन खोल सकते हैं। ये मुझे उम्मीद है राउरकेला के लोगों से। इसका नाम पिज़्ज़ा पराठा दे दीजिए, पिज़्ज़ा चिकन पराठा। चलो यार, खुशबू भी बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है भाई, बहुत मस्त है। पराठा तो पराठा, चटनी भी बहुत मस्त है यार, बहुत गर्म है। सुन, अभी वीडियो बंद कर, मैं एक ही रिव्यू दूंगी, 5 out of 5। सब यहाँ पे आओ पराठा जंक्शन में, ये जितना सारा यहाँ पे पराठा का ऑप्शन है ना, ट्राई करके जाओ। तो ये जो हमारा पराठा जंक्शन है वो है हमारा राउरकेला में, जो कि ओडिशा में है, और इसका जो एड्रेस है E42 Phase 1 बसंती कॉलोनी, अपोजिट फ्रंट ऑफ SL ट्यूटोरियल। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।